देखिए, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हमें क्या प्रिंट कराना है। वैसे तो इसके कई तरीके से सॉल्यूशन किए जा सकते हैं। यहाँ पर अभी मैं एक सॉल्यूशन पिक करूँगा और जहाँ पर मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा वहाँ पे और तरीके भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए, यहाँ पर है सबसे पहले प्रिंट होने हैं 1 और 1, उसके बाद इन दोनों का समान है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल ले सकते हैं a=1 और b=1, इन दोनों को प्रिंट करा देंगे। तो इससे क्या होगा, 1 और 1 तो हमारे आ जाएंगे। 2 कैसे आएगा अगर इन दोनों को ऐड कर दें। तो इन दोनों को प्रिंट कराने के बाद हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल और ले लेते हैं और यहाँ पर कर देते हैं a+b। अब देखो, इससे मेमोरी में क्या होगा, मेमोरी में एक a बनेगा, उसकी वैल्यू होगी 1, एक b होगा, उसकी वैल्यू भी होगी 1। दोनों प्रिंट हो चुके हैं, यानी 1 1 प्रिंट हो चुके हैं। C में आ गया 2, तो यानी 1 1 2 भी प्रिंट हो गया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिख देंगे। अब हमें प्रिंट करना है 3, वो कैसे होगा, 1+2 अगर हम कर दें तो 3 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन 3 प्रिंट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा b+c, है ना, तभी तो 3 आएगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मैं b+c ना लिखूं, मैं चाहता हूं मैं a+b ही लिखूं, ये कैसे पॉसिबल होगा। ये पॉसिबल तब होगा अगर आप b की वैल्यू a में डाल दें और c की वैल्यू b में डाल दें। मान लीजिए मैंने डाल दिया a=b और b=c। अब इससे क्या होगा, अब देखो, b की वैल्यू a में यानी यहां पे 1 ही चली गई और c की वैल्यू b में यानी यहां पे 2 चली गई। अब जब a+b करेंगे तो a में कितना है 1, b में कितना है 2, कितना हो गया 3। अब c में आपने स्टोर करा दिया तो c में आ गया कितना 3। अब अगर आप प्रिंट करेंगे c को तो कितना प्रिंट होगा, ऑफ कोर्स 3। तो 1 1 2 3 प्रिंट हो चुके हैं। अब हमें प्रिंट करना है 5, 2+3 5, है ना। तो या तो आप लिख दें b+c, जो कि हमें करना नहीं है। हमें क्या करना है, हमें करना है a+b। हम ऐसा चाहते हैं कि a+b को ही हम ऐड करें। तो फिर से क्या करो, b की वैल्यू डाल दो a में और c की वैल्यू डाल दो b में। अब इससे क्या होगा, b की वैल्यू a में यानी यहां पे गया 2 और यहां पे कितना गया, c की वैल्यू 3। अब a+b जब होगा तो 2+3 कितना हो जाएगा, 5, यानी c में आ गया 5। अब जब c को प्रिंट कराओगे तो कितना प्रिंट होगा, 5। इसी तरीके से आप सेम प्रोसेस रिपीट करके ये वाला, ठीक है ना, आप ये 5 तक हो गया, इसके बाद प्रिंट हो जाएगा 8 13 21, ठीक है ना, इसी तरीके से रिपीट कर सकते हैं आप। तो ये रिपीट करने के बाद अब आप ये देखो कि ये प्रोसेस ये वाला कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3, एक इसके लिए हुआ, 4 5 6, यानी ये काम 6 टाइम रिपीट होना है। तो या तो आप 6 बार लिखेंगे, अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि सेम ही चीज बार बार रिपीट हो रही है और जो चीज बार बार रिपीट होती है हम उसे कहाँ डालते हैं, लूप के अंदर। तो इंस्टेड ऑफ दिस हम ये लिखने के, हम क्या कर सकते हैं इस वाली स्टेटमेंट को, c=a+b और printf%d,c, क्योंकि c की वैल्यू प्रिंट करानी है। प्रिंट कराने के बाद b की वैल्यू a में आ जाए और b में आ जाए c की वैल्यू। अगर मैं इसे 6 टाइम रिपीट कर दूं, 6 टाइम कैसे रिपीट होगा, आप लूप चला दें, for int i=0, i<= 6, क्योंकि 6 टाइम रिपीट करना है। अच्छा, 0 से स्टार्ट हो रहा है तो लेस देन भी कर सकते हैं, ठीक है, i++, करली ब्रेसेस स्टार्ट करली ब्रेसेस क्लोज, क्योंकि जो काम बार बार रिपीट कराना है वही लूप के अंदर आएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, ये काम 6 बार रिपीट हो जाएगा और आपका डिजायर आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगा, क्योंकि 1 और 1 तो हम पहले ही प्रिंट करा चुके हैं। ठीक है ना। अब देखो, यहां पर ना कई बार लोगों को डाउट होता है
कि सर हमने यहाँ पर आई का यूज़ किया है, बट आई का यूज़ हमने यहाँ पर तो कहीं नहीं किया। तो दूसरा, कई बार ऐसे भी सोचते हैं कि सर यहाँ पर सी ए बी यूज़ कर रखा है, तो इन्हीं का यूज़ करके हमें कंडीशन लगानी चाहिए। बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी की कंडीशन दें यहाँ पर, क्योंकि आप ये समझे, आपको तो बस ये काम बार बार रिपीट कराना है, और जो भी काम रिपीट होता है उसे हम लूप में डालते हैं। हमारा पर्पस इनको यूज करना नहीं है, हमारा पर्पस है कि ये काम बस 6 बार रिपीट होना चाहिए, चाहे वो इनमें से कोई कंडीशन लगे या आप अलग से भी कोई वेरिएबल लेकर के उसे लूप चला सकते हैं। क्लियर? यस और नो? आई होप कि ये लॉजिक आपको क्लियर हुआ होगा, अदरवाइज वीडियो दोबारा देखें, पक्का क्लियर होगा। और देखने के बाद इसे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आप इसे प्रैक्टिकल करके नहीं देखेंगे तब तक अच्छे तरीके से नहीं आएगा। ठीक है, लॉजिक समझ लिया, अब इसे अप्लाई करके देखें। अप्लाई करने के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो भी, नहीं आती है तो भी, नेक्स्ट वीडियो जहां पे मैंने इसे इंप्लीमेंट करके दिखाया है वो जरूर देखें। क्यों देखें? क्योंकि वहां पर मैंने इस तरीके के अलावा भी और तरीके बताए हैं जिससे आप ये सीरीज प्रिंट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। इस वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।